सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनल बाइसेक्टर। द लाइन बाइसेक्टिंग एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल। क्या बताया इसने? द लाइन बाइसेक्टिंग एन एंगल, ये जो लाइन है एक एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ट्राइंगल क्या है? ए बी सी। सपोज कर लेते हैं इस एंगल की बात कर रहे हैं। ए हमारा यहाँ पे क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स। ओके, अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस एंगल को जो बाइसेक्ट करेगी। लाइक मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है, इसने एंगल को बाइसेक्ट कर दिया इक्वल इक्वल में। ठीक है, सो ये लाइन क्या कहलाएगी, इंटरनल बाइसेक्टर। सो ये क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू, दोनों इक्वल होंगे, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ट्वाइस ऑफ एक्स था। जब हम इसको टू से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स एक्स। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिनोटिंग एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स। एंगल्स जो ट्राइंगल के एंगल्स होते हैं उसको कैसे डिनोट करते हैं। लाइक मेरे पास में एक ट्राइंगल है, इसको नाम दे दिया हमने ए बी सी। इसको मैंने डिनोट करना है कैसे, क्लॉकवाइज करेंगे। क्लॉक कैसे चलती है हमारी, ऐसे चल रही होती है, बी से स्टार्ट करते हैं, ऐसे करना है। बी से स्टार्ट करेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, बी पहले लेंगे फिर ए आएगा। एंगल का साइन ही होता है डिनोट करने के लिए। एंगल को कैसे डिनोट करते हैं, एल साइन बनाते हैं थोड़ा। सो एंगल बी ए सी। ओके, उसके बाद हम ए पर आगे देखो, मिड में जो होगा उस एंगल की बात कर रहे हैं। बी सी स्टार्ट कर दिया तो बी के बाद में क्या आएगा, ए सी। सो जो एंगल मिड में होगा उस एंगल की बात होगी, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास में, बी ए सी हो गया, देन क्या आएगा, ए सी बी, एंगल ए सी बी। अब किसकी बात हुई हमारे पास में, ए के पास सी आया ना, उसके बाद क्या होगी, सी से बी की, एंगल सी बी ए। ये ध्यान रखना है बच्चों आपने कि जो मिड में होगा उस एंगल की बात होगी। लाइक अगर मैं बात करूं आपसे, दिस इज 70 बी सी, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे एंगल ए बी सी 70, या फिर लिखेंगे एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 70। बात किसकी होगी दोनों में, बी की। अगर आप सी बी ए लिख रहे हो तभी भी ठीक है, ए बी सी लिख रहे हो तभी भी ठीक है, क्योंकि बात किसकी होगी यहां पर, एंगल बी की। ओके, नेक्स्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो ट्राइंगल्स में आगे तक यूज होने वाली है और आपको हमेशा ही आपको मिलेगी और यूज भी करने को मिलेगा। क्या होता है, एक ट्राइंगल है हमारे पास में ए बी सी, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, इसमें हम सभी एंगल्स को, ट्राइंगल के सभी एंगल्स को सम करेंगे और उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल ए एंगल बी एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको याद रखना है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ओके, इसको एग्जांपल से समझते हैं। लाइक हमारे पास में एक सम है, एग्जाम्पल में हमने ले लिया, ये हमारा क्या है 70 डिग्री और ये है हमारा 80 डिग्री और ये हमें निकालना है, सी हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी को लिख देते हैं शॉर्ट में ए एस पी। सो एंगल ए की वैल्यू हमारे पास में है 70, बी की हमारे पास में है 80 डिग्री प्लस एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज रखा इज इक्वल टू 180।
सो 70 प्लस 80 150 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 150. सो एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री. आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180. ये याद रखनी है बच्चों, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये हमारे पास में एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया. एक्सटीरियर एंगल देखो नाम से पता चलता है हमें एक्सटीरियर एंगल की बात होगी यहां पर. सो लेट कर लेते हैं हमारे इस एंगल की बात करें, इसको नेम दे दिया हमने डी. तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बच्चों क्या कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स. सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, अब कौन से इंटीरियर एंगल्स होंगे, ये भी इंटीरियर था, ये भी इंटीरियर था, ये भी इंटीरियर था, बट आपने ध्यान रखना है जो एक्सटीरियर एंगल जिस लाइन के साथ में बनोगा उस एंगल को नहीं लेना है इंटीरियर में, उसको छोड़ देना है. जो बाकी दो एंगल्स होंगे इंटीरियर उनको सम लेना है. कैसे, एंगल ए सी डी. एंगल ए सी देखो मैंने एंगल के लिए बताया था आपको कैसे करते हैं, ए सी. एंगल सी की बात करें तो हम कैसे लेंगे, ए सी डी इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर कौन से हो गए, ये दोनों, एंगल ए प्लस एंगल बी. ओके, सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स. इज इट क्लियर. So, इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं. लाइक हमारे पास में ये क्या है, ये 120 डिग्री है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है 80 डिग्री. ये मेरे को फाइंड आउट करना है, इसको मैंने लेट कर लिया x है. सो हम डायरेक्टली इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी. रिजल्ट डालेंगे बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एसीडी की वैल्यू पुट करो 120, एंगल ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में 80, और बी की वैल्यू क्या थी x. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा, बाय ट्रांसपोजिशन मेथड इधर आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट माइनस 80 इज इक्वल टू x. सो क्या हो जाएगा 40 डिग्री इज इक्वल टू x. सो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 40 डिग्री. सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स. आई होप यू आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ट्रायंगल्स में एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंड एंगल्स को कैसे डिनोट करते हैं. ओके, थैंक यू.